राजस्थान शिक्षक संघ द्वारा अंशदायी राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस 2004 को बंद कर पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल करने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान काफी संख्या में विभिन्न शिक्षक संघ और कर्मचारी संगठनों रुकटा और शेखावत से जुड़े शिक्षक जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। शिक्षकों का कहना था कि सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी कर्मचारियों का बुढ़ापा सही से गुजरे और जीवन आर्थिक दृष्टि से सुरक्षित और खुशहाल हो, इसलिए दुनिया की तमाम लोक कल्याणकारी सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए स्थायी पेंशन सुरक्षा की नीतियां लागू की। वहीं भारत में आजादी के बाद से ही इस तरह की नीतियों को पलट दिया गया, जिसका कर्मचारियों ने विरोध भी किया था। वहीं 1 जनवरी 2004 से लागू की जा रही राष्ट्रीय पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के हितों के विरुद्ध साबित हुई, क्योंकि यह योजना अंशदायी है। कर्मचारियों के वेतन काटे जा रहे हैं, इस पैसे का निवेश शेयर अर्थात सट्टा मार्केट में किया जाता है, जिसका खामियाजा अंततः कर्मचारियों को आर्थिक रूप से नुकसान भुगतना पड़ रहा है। कर्मचारियों को हमेशा दिलो दिमाग में यही डर बना रहता है कि उसके वेतन से काटा गया पैसा शेयर मार्केट में सुरक्षित भी है या नहीं। कर्मचारियों का यह भी कहना था कि अब साबित हो चुका है कि यह पेंशन योजना कर्मचारी हित में नहीं है, इसे कर्मचारियों में असंतोष और आक्रोश है। कर्मचारी वर्ग चाहता है कि उसकी जीवन सुरक्षा के लिए एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल किया जाए और अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान रोकटा के प्रांतीय संयुक्त सचिव डॉक्टर रमेश बैरवा, रोकटा के प्रांतीय सदस्य डॉक्टर भरत मीणा और राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत से जुड़े जी सिंह, राजेश जाटव, विष्णु पंचाल, शिव प्रसाद बैरवा और संजय सहित काफी संख्या में लोग शामिल हुए। पुरानी पेंशन योजना की बहाली के समर्थन में और 2004 की अंशदायी पेंशन योजना जिसको एनपीएस बोलते हैं उसको बंद करने के समर्थन में आज इस मांग के साथ सभी कर्मचारी शिक्षक यहाँ मौजूद हुए हैं। और हमारी मांग ये है कि जो एनपीएस 2004 में लागू किया जो पूरी तरह कर्मचारी विरोधी है, क्योंकि ये शेयर मार्केट पर आधारित है और शेयर मार्केट पर आधारित होने के कारण इसमें केवल प्राइवेट कंपनियों का फायदा ज़्यादा है, सरकारी कर्मचारी अधिकारी इस नई पेंशन योजना से लाभान्वित नहीं होंगे, उनका मूलधन भी शायद खतरे में रहेगा। इसलिए हम इस कर्मचारी विरोधी पेंशन योजना को खत्म करके सरकार से ये मांग करते हैं कि वो पुरानी पेंशन योजना जो ज़्यादा सुरक्षित है, ज़्यादा कर्मचारी हितैषी है, उस पेंशन योजना को बहाल किया जाए। इस मांग के लिए शिक्षक संघ शेखावत की एक पहल थी जिसके आधार पर पूरे राजस्थान में आज ये ज्ञापन दिया जा रहा है। उसके समर्थन में राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक संघ, राजस्थान विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ रुकटा और जितने भी विभाग के कर्मचारी हैं उनके अपने अपने संगठन इस समर्थन में जुटे हैं और इसके बाद में भी ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। हम विभिन्न संगठनों, विभिन्न कर्मचारी यूनियनों और विभिन्न कार्यालयों में जाएंगे और पूरे राजस्थान स्तर पर इस आंदोलन को कर्मचारियों का जन आंदोलन बनाएंगे और सरकार पर पूरा दबाव बनाएंगे कि वो जनकल्याणकारी योजना के तहत जो पुरानी पेंशन योजना चल रही थी उसको पुनः बहाल करें और ये जन विरोधी कर्मचारी विरोधी पेंशन योजना जो शेयर मार्केट मार्केट पर आधारित है, जिसमें कर्मचारियों का पैसा भी सुरक्षित नहीं है, उसको बंद किया जाए। मेरा नाम डॉक्टर भरत मीणा, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ रुकटा का प्रदेश कार्यकारिणी सचिव। आज का ये प्रदर्शन और उसके बाद में माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम पर श्रीमान जिला कलेक्टर को यह ज्ञापन दिया जाएगा और ये जो मांग है पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए और जो एनपीएस है कर्मचारी विरोधी है, ये साबित हो चुका है अब तक के 13-14 सालों के एक्सपीरियंस से। तो लोगों में बड़ा गुस्सा है, कर्मचारियों में बड़ा गुस्सा है कि जो हमारा पैसा कटता है हमारी सैलरी से वो शेयर मार्केट में निवेश किया जाता है और शेयर मार्केट में हमेशा ही ये हलचल बनी रहती है, अनिश्चितता बनी रहती है और इससे बहुत ही चिंता है, कर्मचारी वर्ग में असंतोष है। इसी को ध्यान में रखते हुए ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन, ऑल इंडिया टीचर्स ऑर्गेनाइजेशंस, रुकटा, राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत और दूसरे कई संगठनों के यहाँ पे प्रतिनिधि आए हैं। आज एक सिंबॉलिक यहाँ पे प्रोटेस्ट है और ज्ञापन दिया जाएगा माननीय पीएम और सीएम को और ये आंदोलन आने वाले दिनों में और तेज़ किया जाएगा। विभिन्न सरकारी विभागों में हम लोग जाएंगे और लोगों को मोबिलाइज करेंगे और एनपीएस इसकी वापसी के लिए पुरजोर आंदोलन किया जाएगा।